पोस्ट 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 जी कहिए। क्या कहूँ, पोस्ट कह रहे थे ना। तुम्हारे लिए कोई पोस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ अकेली होगी, नहीं तो मैं खुद एक चिट्ठी लिखकर ले आता। इस उम्र की लड़कियाँ या तो बाजार जाती हैं या फिर टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, तो रास्ते में मिलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर चैन से चार बातें नहीं कर सकते, इसलिए मेरा दिल तड़प रहा है, समझ रही हो। वो बदमाश है ना तुम्हारा बाप, उसकी वजह से यहाँ भी नहीं मिल सकते हम लोग। क्या है, आप बड़े हैं ना तो आपको क्या बुलाऊं, भैया, भाई, मामा? कोई नहीं, तुम मुझे ऐसे कुछ भी मत बुलाना। अच्छा ठीक है नहीं बुलाऊंगा। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो बहुत सारी है लेकिन यहाँ के लिए नहीं है, शायद गलत फहमी हो गई मुझे। अगर कोई चिट्ठी आई तो मैं यहाँ के दे दूंगा। ना 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 ना, ऐसे मत जाओ तुम। हाँ सुनो, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों घूमते फिरते रहते हो। इधर देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ कमला सनन, तुम्हारा कोई इरादा हम नहीं चलने देंगे, समझ रहे हो। अगर मेरे पिताजी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मुझे सजा क्यों दे रहे हो? अरे तुम उसके बेटे हो ना, तुम मुझसे भी बड़े बदमाश हो। देखो देखो देखो, तुम अपने बाप जैसे दिख रहे हो। मुझे 35 चिट्ठियां और 2 मनी ऑर्डर देने हैं, चलता हूँ। रुको 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 रुको, एक बात और, आगे से इस घर के लिए कोई चिट्ठी विट्ठी भी आए तो तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी चिट्ठियां ले लिया करूंगा, समझे। सब ऐसे कहेंगे तो पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे जैसे नालायक को इस घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख पहुँचता है मुझे। ऐसी बातें बोलने के लिए मुझे कोई दुख नहीं है। सुनो, चलो 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 चलो, नहीं तो इस पोदियन पिल्लई के हाथ से मार खाओगे तुम। टीएमटी में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मेंबर हूँ। चल चल। अबे मेंबर, हे चंद्रमती, ऐसे ही बैठी रहना, मेरी मदद मत करना, ससुराल में सास से गाली खाना तुम। दीदी आप कुछ मत बोलिए, मिनी बहुत अच्छे से सब्जी बनाती है, ये सब उसका स्टाइल है। ओहो, अरे देखो नारियल नीचे गिर रहा है। सिर्फ बीवी खाना बना सकती है, ऐसा कोई कानून है क्या? वही तो, पारुकुट्टी दीदी के लिए आप ही तो रोज खाना बनाते हैं ना। मिनी वो मजाक कर रही है दीदी। अब मस्ती मजाक बंद करो, लड़का आने वाला है। मैंने जो तुमसे कहा याद है ना, यही समझ लो कि शादी के लिए देखने आ रहा है वो तुम्हें, समझ गई? मिनी बेटा थोड़ा शर्मा के, सर झुका के, सज धज के धीरे से लड़के के पास जाना है। शर्मा के, सर झुका के, सज धज के जाना। क्या, देखो तो इस बदतमीज लड़की को। अच्छा, इंजीनियर लड़कों को सुंदर सुंदर लड़कियां मिलना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ये रिश्ता तो अयप्पन कुट्टी खुद ही करा रहा है। हाँ, मेरे मिनी बेटा में क्या कमी है बताइए, पढ़ाई क्या है, सुंदर है, संस्कारी है, गुणों से भरी हुई एक अनोखी लड़की। क्या कर रही हो, मैंने नमक डाल दिया था, हे भगवान। मुझे नहीं पता था दीदी, सारा खराब कर दिया तुमने। देखिए दीदी, बाप रे। तुम ना कोई मदद ना करो वो ठीक है, मगर ऐसा मत करो। कोई बात नहीं दीदी, नमक ज्यादा हुआ है तो थोड़ा आटा घोल के सब्जी में डालना है, वनीता मैगजीन में लिखा था आटा नमक को काटता है। अरे नहीं, वो भी नमक, ये है। भी नमक है, आटा कहाँ है दीदी? तुम कुछ भी मत करो, कहाँ है यहाँ से? आइए 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 आइए। मैंने सोचा कि पिल्ली भैया और परिवार को आप भूल गए, कब से इंतजार कर रहे हैं। आपको घर कैसा लगा, कोई परेशानी तो नहीं वहाँ? नहीं नहीं, अगर है भी तो साहब नहीं बताने वालों में से एक है। मैंने तुमसे पूछा जी। आइए आइए बैठिए, ये पूरी जगह एक एकड़ से थोड़ी सी कम है, नारियल आम कटहल सब है यहाँ। साहब बढ़िया फल भी देते हैं और नारियल का दाम बढ़ते वक्त बढ़िया होता है, आम के लिए भी केरल की ग्रीनरी। ऐसा कुछ नहीं है, बस इस घर में रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, ये घर मिन्नी के नाम पे है। मेरा घर पूरा एस्कुट्टी के नाम। ये है मेरी पत्नी। नमस्कार। खाना बन गया है? हाँ चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए जी।
बैठिए। वो चावल देना, वो सांभर। मिनी कहाँ है? बेटी ये मेरी छोटी बेटी मिनी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उम्मीद है कि इस बार डिस्टिंक्शन मिलेगा। कैसी बनी है? बहुत अच्छा है। मिनी ने बनाई ये सांबर, सब्जी, खिचड़ी सब उसी ने बनाया। अरे किसी के मदद के बिना खुद बनाया है सब। बहुत अच्छा बना है वाकई। लगता है सर को कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी वो स्वीट डिश लेके आना। अरे बस बस थोड़ा और खाइए ना सर। मैं तो इससे चार गुना खाता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी देखकर आपको ऐसा लगता है क्या? शरीर अच्छा हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। अरे मैं तो वही बोलने वाला था। पार कुटिया में कौन है? क्या हुआ? और कोई रास्ता नहीं है इसलिए यहां आना पड़ा। बात क्या है? तुम्हारा पति ताश खेलने के लिए मेरे से 50 रुपए उधार लिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसा तो वो ले लिया ना, उससे मांग लो। लेकिन उसकी पत्नी तो तुम हो ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। ओहो ओहो ओ सुन, जल्दी से इधर आ। आना ही पड़ेगा क्या? हाँ, आना है। देख क्या सच बोल रहा है। उसने कुछ गलत नहीं कहा तो? घर से चोरी करने के अलावा आप घर वालों से उधारी भी ले रहे हो। नुकसान तो गांव वालों का ही है, मेरा थोड़ी ना है। तो तुम ऐसा सोचते हो, इसीलिए ये हालात हुए हैं। मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं दिखाता हूँ किसको नुकसान होगा। समझे? क्या करोगे तुम? ए, कुछ मत बोलना, ये बहुत खतरनाक है। इसका नाम है ईडीएम पीडीएम पिल्ला, पंचिंग पिल्ला, एक ही पंच में बीवी को मारा। चुप रहो ना, ये किसी काम का नहीं है। अच्छा तो फिर मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। पैसा लेने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये आदमी यहाँ बैठा है, कल ये घर के अंदर भी आ जाएगा। अरे आने दो, अब मेरे लिए एक मदद हो जाएगी। बॉस करोगे तुम? ऐसा लोगे? मुझे पैसे नहीं मिले तो वो भी चलेगा, पर इससे बुरा और क्या होगा इसके साथ। भगवान मार डालोगी इसे तुम। नहीं चाहिए मुझे पैसे। इसीलिए लोग सही कहते हैं कि उधारी जब भी लो उससे लो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो।